Hello students, welcome. Now today we are going to read about applications of Gauss theorem. In last video we have discussed about Gauss theorem and deduction of Coulomb's law by the Gauss theorem. तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे हम Gauss theorem को derive करेंगे, ठीक है? तो अब इसकी कुछ applications हैं. पहली चीज, Gauss theorem हम use कहाँ कहाँ करते हैं. Gauss theorem हम उन जगहों पर यूज करते हैं जहां पर Coulomb's law को अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टिपिकल हो जाता है. मान लिया कुछ चार्जेस थे, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ठीक है. इस एक चार्ज पर इन सब की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या करते थे, Coulomb's law की हेल्प से इस सबको फाइंड करते थे. लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई है कि Coulomb's law हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि चार्जेस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है. तो इसलिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. तो सीधा सीधा हमें यही बताया जाता है कि जहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई नहीं हो रहा हो वहां पर हम अप्लाई करेंगे Gauss theorem. तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज. तो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि मैं यहाँ सिर्फ ई लिख रहा हूँ. ई E का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. तो अब हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर या इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर, ठीक है. तो अब जो हमारा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या होगा, लीनियरली. तो यहां पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाई करेंगे जो कि कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ. तो जहां भी हमारे पास चार्ज आ जाएगा, चार्ज की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा यूज करेंगे अभी इसको आगे. इससे पहले तो सबसे पहली चीज, एक चीज हमें ये देखनी है कि जो भी हमारा इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके चारों तरफ हमने क्या बना दिया, हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया. जैसा कि हमने वहां क्या किया था, गॉसियन सरफेस का मतलब होता है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर वायर या यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के चारों तरफ हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है. गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए. कैसे, जैसे कि हमारे पास ये चार्ज था, इस चार्ज के चारों तरफ हमने क्या बनाया, स्फीयर. स्फीयर का मतलब होगा कि इस चार्ज से जिस बाउंड्री पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करना चाह रहे हैं वो पॉइंट पर हम, मतलब वो पॉइंट हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए. तो जैसे अब किसी भी स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है जिसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस हो जाएगा, वो सेंटर हो जाएगा. अब इस चार्ज की वजह से, ठीक है, ये जो चार्ज अंदर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है इस पर चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक. तो उसके लिए अब हम एक चीज और ध्यान देखेंगे कि इसमें तीन पॉइंट मैंने लिए, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. कैसे इसको डिफाइन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा टॉप वाला, सेकेंड पॉइंट ये इसके सरफेस पे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, और थर्ड पॉइंट ये बॉटम वाला हो जाएगा. तो तीनों पॉइंट से अगर हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कितना हो रहा है वो निकाल दिया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल पाएंगे. तो अगर फर्स्ट पॉइंट पर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा यही होगी ना, जो स्ट्रेट इनफाइनेटली स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, वायर, मतलब स्ट्रेट वायर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, तो उससे हमेशा रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. लेकिन इस सिलेंडर के यहाँ इस पॉइंट पर मैंने बताया था कि एरिया सरफेस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इस सरफेस के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा. तो हमारा फर्स्ट सरफेस पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. तो अगर हम यहाँ पर फाइव वन निकालते हैं, फाइव वन मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस cos 90 डिग्री. सेकेंड पॉइंट पर अगर हम फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, यहां मैंने dA लिखा है, इस dA की जगह हम dS भी लिख सकते हैं,
ठीक है, डीए लिखो डीएस लिखो, बात एक ही हो जाएगी, उसका मतलब भी सरफेस एरिया होगा यहाँ पर और इसका मतलब भी सरफेस एरिया होगा। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया वेक्टर किस तरफ काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ काम कर रहा है। दूसरा, फाई टू इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस को जीरो, क्या ये सही है? डेफिनेटली सही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर देंगे। फाई थ्री इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल हम लेंगे इसको, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा? ये फिर से ई डी एस कॉस 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और ये कितना हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, ठीक है। तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, इतना आ गया हमारे पास। तो अब इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? जीरो प्लस सरफेस इंटीग्रल ई डी एस प्लस जीरो, ठीक है। तो फाइव ई इज इक्वल्स टू, अब इसको हम कितना लिखेंगे? फाइव ई इज इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा ये जीरो ई डी एस। ई को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, अंदर कितना बचा? इंटीग्रल सरफेस एरिया डीएस। और शायद पुरानी वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि क्लोज इंटीग्रल डीएस अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उसका मतलब वही फिगर का सरफेस एरिया फाइंड कर देते हैं जिस तरह का भी हमारा कोसिन सरफेस रहा होगा। तो यहाँ पर कोसिन सरफेस क्या है? यहाँ पर कोसिन सरफेस सिलेंड्रिकल, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, ना कि टोटल सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि कितना फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा है, ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, वही तो डिफाइन करेगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है। कि यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हेल्प से निकाल रहा है, और उसी से पता चलेगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से फाई ई, अब मैंने भी क्या किया, फाई ई की जगह हमने पुट कर दिया क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमें पता है कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख दिया, इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ई इनटू, अब इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, मैं यहां लिख रहा हूं, इसका जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। अब 2 पाई आर एच, एच क्या है यहाँ? एल है, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह एल लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एल। और मैंने एक चीज यहां डिफाइन कर रखी है, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। क्यों? क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। देन वी विल हैव क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल, दिस इज लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इनटू 2 पाई आर एल। क्या इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा? ई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दैट विल बी द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर व्हिच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला फाइंड कर दिया। तो अब इसमें दो पॉइंट और बनते हैं, वो क्या? लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड। लैम्डा जीरो से ज्यादा होने का मतलब है कि पॉजिटिव होगा। If lambda is less than zero, then radially inward. ये किस चीज की डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अगर जो लैम्डा है वो अगर लैम्डा जीरो से ज्यादा है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियली आउटवर्ड होने का मतलब है कि अगर ये कोई भी सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई चीज बाहर निकल रही है तो ये क्या हो जाएगा? रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, अगर हमने
एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल फाइंड करना सीख लिया, तो मैक्सिमम चीजें हमारे पास वैसे ही आ जाएंगी और इस डेरिवेशन में इससे ज्यादा कुछ नहीं। नाउ आवर नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो सेल के बारे में पता ही होगा, जैसे कि अगर हम फुटबॉल लें तो फुटबॉल के एक लेयर होती है, लेयर से बनी हुई होती है फुटबॉल, ठीक है, उसके अंदर भी एयर होती है और बाहर तो एयर है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होती है शेल। तो शेल का मतलब होता है अंदर से खाली हो, ठीक है, कोई एक किसी मोटाई की लेयर चारों तरफ से बनी हुई हो और अंदर से वो खाली हो, तब उसे हम कहेंगे शेल। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हमारे पास थी कंडक्टिंग मटेरियल की, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले से हमने एक पॉइंट आउटसाइड लिया, ठीक है। तो ये जो हम पहले निकाल रहे हैं, ये इसको हम ये लिख भी सकते हैं आउटसाइड, मैंने केवल आउट लिखा है। इस आउट का मतलब क्या होगा, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये होगा आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, SHELL, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट, अगर सबसे पहले हम एक पॉइंट पर आउट मतलब स्फेरिकल शेल के बाहर एक पॉइंट पर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर पॉइंट पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर शेल के अंदर लेंगे। तो तीनों ही पॉइंट पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल आउटसाइड, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पर EDS cos theta आ गया, जितना भी हमें पता है कि यहाँ पर हमने एक पैच लिया था DS सरफेस एरिया का, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने क्या लिया है Q प्लस Q चार्ज लिया, मतलब सेंटर पे नहीं, जो हमारा चार्ज है वो पूरी शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेल हमारी पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होती तो ये डायरेक्शन इनवर्ड आ जाती, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम होती, मतलब 180 डिग्री एंगल पे हो जाती, ठीक है। मान लिया अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज सेल लेता, इसके चारों तरफ मैं एक पॉइंट ले लेता, यहाँ पर सेंटर से ये पॉइंट होता, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती और DA की डायरेक्शन ये हो जाती, बस आंसर नेगेटिव में आता और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, चीजें वही रहेंगी जैसे हम पॉजिटिव में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, सिंपल चीजें हैं। तो ये कितना आ जाएगा EDS cos 0, कितना आ गया phi e is equals to surface integral, ये हो जाएगा EDS बचेगा, ठीक है, e को हमने बाहर लिख लिया, phi e को मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा q upon epsilon naught is equals to e, क्योंकि e की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना, इसलिए हम e को बाहर रख रहे हैं, क्लोज इंटीग्रल ये कितना हो जाएगा ds। अब जो हमारा आउटर स्फीयर बन रहा है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉलर रेडियस ली है, तो अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जो आउटर सरफेस है, सरफेस एरिया कितना होता है 4πr2, तो कितना हो जाएगा यहां से q upon epsilon naught is equals to e into 4πr2। मैं एक छोटे से बॉक्स में एक चीज लिख रहा हूं, क्लोज इंटीग्रल ds सर्कल के स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा 4πr2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4πr2। तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब है कि जो भी फिगर के लिए हम काम कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया, ये काफी टाइम मैं रिपीट कर चुका हूं जब से मैंने टॉपिक ये स्टार्ट किया है। तो अब आगे की बात हम करते हैं, q upon epsilon naught is equals to e into 4πr2 हो गया, यहां से e is equals to कितना आ जाएगा, e is equals to बनेगा हमारे पास 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square। यहां अभी हमने values put नहीं किए, सिंपल हमने फॉर्मूला फाइंड किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आ गया, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। क्या ये वही है जो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता था, बस हम क्या कर दे रहे हैं, अगर हम आउटसाइड को एक पॉइंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि जितना भी चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेट है, ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। तो अगर ये फॉर्मूला हमारा आ रहा है, इसमें भी हम रख सकते हैं सरफेस चार्ज, जैसे रख सकते हैं q इज इक्वल्स टू रो
एल, ठीक है। इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू एस, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू एस, क्योंकि यहां पर क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस आएगा, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस। क्यों? सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एस, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्यू अपॉन एस हो जाएगा। ठीक, तो इतना करने के बाद हमारे पास, हमें सबसे पहले चीज ये पता होना चाहिए कि Q इज इक्वल्स टू क्या था, सिग्मा एस। कहाँ से आया? यहाँ से आया। कैसे? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा होती है, तो सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एस, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, अगर हमें चार्ज डेंसिटी दिया है तो। ये हमारा फॉर्मूला हो गया आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब नेक्स्ट आता है ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल के सरफेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बस यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे, ठीक है। और क्यू की जगह हम यूज करेंगे सिग्मा एस। बस ये दो वैल्यूज हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, तो हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। तो कितना आ गया, आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर रखना है, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा एस रखना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया यहां से, क्यू की जगह क्या रख दिया हमने, सिग्मा एस रख दिया, अपॉन ये कितना आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। अब सरफेस एरिया, एस का मतलब क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, कितना बचेगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, किसके लिए, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ई डॉट डी एस लगा करके, पूरा वैल्यू लगा करके ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये पूरा एक फाइंड कर दिया है, बस कुछ नहीं करना है, यहां तक का सेम होगा ऑन द सरफेस के लिए भी, बस यहां से आगे चेंज हो जाएगा, या तो यहां से चेंज कर लेना या ऐसे कर लेना। फर्स्ट तो ये हो गया तुम्हारे पास जो मैंने कराया। नेक्स्ट एक अगर हम देखें तो यहां से इसमें कुछ चेंज करके थोड़ा सा हम आगे वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो कैसे, ये हमारे पास सेम है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, सिग्मा एस रख दिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इनटू सिग्मा डी एस, मतलब इंटीग्रल डी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा सरफेस एरिया, एस हो गया, इस एस से ये एस कट गया, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी एक तरीका हो सकता है फॉर द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। तो सरफेस के लिए हम ये भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या सीधा यहाँ वैल्यू सरफेस एरिया की यहाँ वैल्यू पुट कर दो डीएस की वैल्यू, और यहाँ एस की वैल्यू पुट कर दो, तो कैसे भी करके तुम फाइंड कर सकते हो, ये इतना आ जाएगा। अब आगे चलते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसके लिए हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास स्फेरिकल शेल है, जो आउटर सरफेस दिख रहा है ये स्फेरिकल शेल का है। उसके बाद अंदर हमने पॉइंट लिया है, मतलब अंदर हमने गॉसियन सरफेस बना लिया है, किसके अंदर, स्फेरिकल शेल के अंदर। अब हमें इनसाइड द स्फेरिकल शेल बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहली चीज, अगर ये मेरे पास शेल है, शेल पर पूरा चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। हमारे पास फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं पर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और क्या, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। वो कैसे, किसी भी सेल पर जो चार्ज है वो हमेशा अपोजिट
आउटर सरफेस पर ही रहेगा, मतलब एक उसकी सरफेस पर रहेगा, जो उसके अंदर का खाली एरिया है उसमें चार्ज नहीं रहेगा। तो इसलिए शेल के अंदर जो चार्ज है वो जीरो होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेटेड बाय द एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। वो कैसे, अभी मैं फॉर्मूलेटिकली भी इसको प्रूफ कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। चलो फाई ई इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया, सपोज कर लिया, कितना आ गया, ई डी एस आ गया। अगर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो सपोज कर लिया हमने, ठीक है, हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं इस इनसाइड के, तो फाइ ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई इनटू फाइ ई की जगह मैं क्या रख दूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ई इनटू ये आ जाएगा यहाँ से 4 पाई r डैश स्क्वायर, वो मैंने उसको r डैश लिया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r डैश स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने आर डैश को स्क्वायर ले लिया है। आर डैश ले लो, आर वन ले लो, कुछ भी ले लो, वो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास आ गया, अब नाउ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो इनसाइड द स्फेरिकल शेल, तो सीधा सीधा हम इसके दो आंसर लिख सकते हैं, यहां पर भी हम लिख सकते हैं, सीधा सीधा इससे भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास फाइ इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पर डिपेंड कर रहा है। तो परमिटिविटी तो चेंज हो नहीं रही है, चार्ज चेंज हो रही है। इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो तो कितना हो जाएगा, फाइ इज इक्वल्स टू जीरो। इफ क्यू इज इक्वल्स टू जीरो तो फाइ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इतना आई थिंक समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से इनसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका अब मैं एक एग्जांपल और देगा जो न्यूमेरिकल करने में हेल्प करेगा। मान लिया हमारे पास कोई एक स्फेरिकल शेल थी, मतलब यहाँ पूरा ये मटेरियल मीडियम है, इतने में ये अंदर वाला खाली है बाहर खाली है। एक चार्ज Q1 यहाँ था, Q2 यहाँ था, Q3 चार्ज हमने यहाँ सेंटर पे रख दिया और Q4 चार्ज यहाँ था। ठीक है, तो ये जो इसका इनर सरफेस होगा ना, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल Q3 की वजह से होगा। क्यों, ये चार्ज Q1 और Q2 इस पॉइंट के बाहर है ना, ठीक है, तो जो अंदर वाली सरफेस है इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो केवल Q3 की वजह से होगा, लेकिन जो बाहर वाली सरफेस है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो Q1, Q2, Q3 तीनों की वजह से होगा, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो बाहर वाली सरफेस से भी तो पास होकर के जाएंगी। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और जो Q4 है वो किसी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल करते टाइम ये चीज बहुत काम आएगी कि यहाँ पर कुछ चार्ज रखा है, यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, तो जो बाहर वाली सरफेस है उसके लिए सारे चार्जेस कॉन्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन जो इनर सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कितना चार्ज है। किसी भी सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस डेरिवेशन में, इसका ग्राफ। ग्राफ किस किसके बीच है, डिस्टेंस के बीच और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि शेल में जब तक हम मटेरियल तक नहीं पहुंचते हैं, मतलब जब तक कि कैपिटल आर तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, सेंटर से और कैपिटल आर यानी कि रेडियस तक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस मतलब ये तेजी से इंक्रीज कर गया। उसके बाद फिर जैसे ही हम उसकी सरफेस से, आउटर सरफेस से दूर जाते हैं, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल जाते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो चलता है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आउटसाइड हम हैं तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरीज एज इनवर्स स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड will be inversely proportional to the square of the distance between the
सेंटर एंड द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इतना ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार वन मार्क्स में इस तरह के ग्राफ्स बनाने के लिए आ जाते हैं, डेफिनेटली बनाने के लिए आ जाते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारे पास, थिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब अगर हमारे पास थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो सबसे पहली चीज, हम उसमें कोई भी जनरली गॉसियन सरफेस नहीं बना पाएंगे जो पूरी की पूरी शीट को कवर करता हो। हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, एक सिलेंडर फॉर्म में गॉसियन सरफेस लिया, ये क्या है हमारे पास गॉसियन सरफेस है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमारा इस जो प्लेन शीट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो ई वेक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पास हो रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें दो जगह से पास हो रही है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। मान लिया हमारे पास कोई भी एक प्लेन शीट ये थी, ठीक है, इसमें हमने एक ये इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया जो कि है सिलैंडरिकल फॉर्म में, तो जितना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरफ से पास हो रही होगी और कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पीछे से पास हो रही होगी, तो दोनों साइड से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसको हमने सम कर दिया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू टू ई डी एस, या हम इसको ये भी लिख सकते थे, मैंने डी फाइव ई इज इक्वल टू टू ई डी एस डॉट डी एस। अब दोनों के पीछे एंगल कितना होगा, जीरो, डीएस और ई दोनों एक ही डायरेक्शन में, वहां भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो फाइव ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा टू ई, ये हो जाएगा इन टू डी एस। ठीक है, इसकी जगह हम क्या, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टू ई इन टू एस डी एस, सरफेस इंटीग्रल डीएस को हम एस लिख सकते हैं क्योंकि टोटल सरफेस एरिया होता है इसका मतलब। अब क्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा हमारे पास कितना होता है, क्यू अपॉन सरफेस एरिया, तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एस, इस वैल्यू को यहां पुट करो, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू ई इंटू एस, इस एस से वाला एस कैंसिल हो गया, तो E is equals to sigma upon 2 epsilon naught, कितना हो जाएगा, sigma upon 2 epsilon naught। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा electric field intensity due to a thin uniformly charged infinitely long plane sheet। ठीक है, तो ये हमारे पास infinitely long plane sheet है जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कितना होगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा ग्रेटर देन है जीरो से, तब क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर सिग्मा जीरो से कम है ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड। दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर जीरो से ज्यादा है तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर जीरो से कम है तो वो रेडियली इनवर्ड होगा। इस चीज का डेफिनेटली याद रखना चाहिए। इसका एक केस ये भी है कि अगर हमारे पास थिन शीट ना होकर एक थिक शीट हो, तो थिक शीट के हमारे कितने फेसेस होंगे, टू फेसेस होंगे, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी जनरेट होगा और कुछ पीछे वाले की वजह से भी जनरेट होगा। तो अगर हम मान लिया एक बुक ले गए, अभी पहले हमने पेपर लिया था, ये जो बुक है ये थिक शीट की तरह बिहेव करेगी, इसका एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले रहा हूं तो इस पॉइंट पर इस सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो जाएगा, जबकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास एक कोई थिक शीट है थिन शीट की जगह, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा वो उसका आधा हो जाएगा, किसके जो हमारा मतलब डबल हो जाएगा, आधा नहीं होगा डबल हो जाएगा, जो एक थिन शीट से आ रहा उसके कंपेरिजन में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कंडीशन हो रहा है कि अगर हमारे पास दो पैडल शीट है, ठीक है, दो थिन शीट है, उनको हमने पैडल ही एक दूसरे के साथ रख दिया है, तो उसमें तीन पॉइंट्स हो जाएंगे, एक दोनों शीट्स के लेफ्ट में एक पॉइंट, दोनों शीट्स के मिडल में एक पॉइंट, और दोनों शीट्स के राइट में एक पॉइंट। कोई जरूरी नहीं है कि सिग्मा वन सिग्मा टू इक्वल हो, कोई जरूरी नहीं है सिग्मा वन सिग्मा टू दोनों पॉजिटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव दिया और एक नेगेटिव दिया हो। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन हाँ इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आता है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम इसको समझेंगे कि कैसे करना है। सबसे पहली चीज, अगर हम फर्स्ट शीट ए शीट के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा वन, क्योंकि इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा वन है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ई टू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकेंड शीट कितना हो जाएगा, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन सेकेंड शीट अपॉन जो फॉर्मूला हम पहले लिखते थे, ठीक है, कितना आ जाएगा, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है कि फर्स्ट पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, दोनों एक E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, चलो सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे फाइंड करते हैं, ठीक है, फिर उसके कंपैरिजन में पता लग जाएगा कि इसको मैं भी बाद में क्यों कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट पर क्या हो जाएगा, दोनों राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड का मतलब रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, किसके लिए, थर्ड पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट के लिए अगर हम फाइंड करें तो सेकेंड पॉइंट के लिए आ जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब एक चीज ध्यान रखना, हमें जब यहाँ पर दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में दी हुई है तो हमें कोई डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी ना, मान लिया हमने राइट साइड की सारी चीजें पॉजिटिव मान ली और जो सेंटर से लेफ्ट में आएंगी जिनकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड होगी उनको हमने नेगेटिव मान लिया। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि जब इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या दोनों माइनस होंगे, डेफिनेटली माइनस होंगे, तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से कितना बचेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब आता है फर्स्ट पॉइंट पे, तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस E1 माइनस E2। अब क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आएगा कि मैंने यहाँ माइनस E1 माइनस E2 क्यों किया, क्योंकि माइनस E1 माइनस E2 करने का यहाँ एक ही मेन मोटिव है, क्या दोनों की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो मैंने कहा था लेफ्ट साइड के सारे डायरेक्शन हम नेगेटिव लेंगे, तो माइनस E1 प्लस माइनस E2 कितना बन जाएगा, माइनस E1 माइनस E2 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, E इज इक्वल्स टू ये माइनस कॉमन ले लो, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, इसका जो फॉर्मूला है वो रहेगा तो फर्स्ट के थर्ड वाले पॉइंट के जैसा ही, लेकिन बस माइनस साइन आने का मतलब है कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो थर्ड के जस्ट अपोजिट आएगी, मतलब चाहे अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा था तो मुझे ये नेगेटिव लेना पड़ता, मैंने इसको पॉजिटिव लिया है तो मैं इसको नेगेटिव ले रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है, तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया है, ये आ जाएगा E3, ये आ जाएगा E2, ये आ जाएगा E1। इस तरह से कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन जो एक दो जगह हमें मिलेंगे, कैपेसिटर बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं,
दो पैरेलल प्लेट ही हम लेते हैं कैपेसिटर पे, जो कैपेसिटर बनाना था तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, ये सारी चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए जितने भी छोटे छोटे पॉइंट मैंने इसमें बताया है। और हाँ एक चीज हो, इसमें भी क्या होगा, अगर सिग्मा की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सिग्मा की वैल्यू जीरो से कम है मतलब माइनस में है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा। तो गॉस थ्योरम के लिए इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वेट फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, सो थैंक्स।